सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। स्टूडेंट आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को थोड़ा सा मैंने आपके लिए इजी करने की कोशिश की है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जब इसको डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें ये कन्फ्यूज़ करती है, तो हम कोशिश करेंगे आसान तरीके से आपको इसे समझाने की कि इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कॉन्सेप्ट देने का कोशिश की है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली प्रपोज की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, और जो ये हमारे पास थ्योरी थी ये उस वक्त आइंस्टाइन ने सिर्फ इमेजिन करके एक्सप्लेन की थी, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क या रिज़ल्ट शामिल नहीं था। लेकिन कई साल गुजरने के बाद जब इन तमाम बातों को जो आइंस्टाइन ने कही थी थियोरेटिकली कही थी उस पर जब काम किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो वो तमाम चीज़ें जो बताई थी आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वो सब कुछ सही साबित हुई। अब सबसे पहली चीज़ कि ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये डील करती है विद यूनिफॉर्मली मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इसमें हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले भी मैंने आपको बताया था, ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में होगा या मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, और दोनों सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ज़ीरो होगा। अब उसके लिए कंडीशन थी, हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर अर्थ में रेस्ट पोजिशन में है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और अगर हमारे पास ये कहा जाए कि अर्थ तो रोटेट करती है तो ठीक है, अर्थ की रोटेशन है लेकिन वो भी एक कांस्टेंट स्लो स्पीड से है, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब है अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसमें हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके काम करेंगे, जिसके लिए यानी शर्त होनी चाहिए कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या कांस्टेंट स्पीड से मूव करे और हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। दूसरा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की एक वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये तमाम ऑब्जर्वर के लिए हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होगी, कांस्टेंट होगी, ये भी हम जो है कांस्टेंट ही लेंगे, इसमें भी कोई चेंज कंसिडर नहीं किया जा सकता, ये भी हमारे पास एक जो है वो पॉस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ लेंगे। और इसके बारे में आइंस्टाइन क्या कहता है, इसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है टाइम डायलेशन। अब अगर हम टाइम डायलेशन की बात करते हैं यानी टाइम का बढ़ जाना या टाइम का जो है वो ज़्यादा हो जाना किस बेसिस पे है, इसके लिए भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही हम लेंगे, वही कंडीशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट में होना चाहिए या मूव करना चाहिए कांस्टेंट स्पीड से। सपोज़ करते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो कार हैं और ये दोनों कार जो हैं मूव कर रही हैं कांस्टेंट स्पीड से। अब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं तो इसका मतलब है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और अगर इन दोनों कार के लिए हम यहाँ पे क्लॉक ले लें तो जब हम न्यूटन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इन दोनों कार के लिए जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं इसमें जो गुजरने वाला टाइम है वो सेम होना चाहिए। लेकिन आइंस्टाइन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों कार जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं, इनमें जो इन दोनों के लिए जो गुजरने वाला टाइम है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इवन कि अगर स्टेशन पे भी एक क्लॉक है तो वहाँ पे भी टाइम जो है इन दोनों कार के अकॉर्डिंग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि कार्स जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं उसके लिए गुजरने वाला टाइम यहाँ भी अलग है और स्टेशन पे मौजूद क्लॉक के लिए भी गुजरने वाला टाइम अलग है, यानी डिफरेंट है। अब होता क्या है कि नॉर्मली ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा होता है ये सेकेंड का बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो हम उसे इतना महसूस नहीं कर सकते कि ये डिफरेंस अपीयर हो रहा है, हमें नज़र नहीं आता वो डिफरेंस क्योंकि वो सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा है। तो इसके लिए आइंस्टाइन ने ये कंडीशन रखी कि कार्स मूव करें और कॉन्स्टेंटली मूव करें और उस वक्त जो इनकी मूविंग स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के
इक्वल हो स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट फैक्टर। तो अगर ये दोनों कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें तब जो टाइम का डिफरेंस है वो हमें सिग्निफिकेंटली नज़र आएगा, वाजिया नज़र आएगा, वरना नॉर्मली ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम है ये फील नहीं होगा। इसी तरह हम सपोज़ कर लेते हैं कि एक ऑब्ज़र्वर अगर अर्थ पे है और किसी स्पेसक्राफ्ट की मूविंग कंडीशन को देख रहा है, तो अर्थ पे मौजूद ऑब्ज़र्वर को लगेगा कि स्पेसक्राफ्ट जो मूव कर रहा है उसके लिए गुजरने वाला टाइम बहुत स्लो है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में जो लोग बैठे होंगे स्टूडेंट्स, उनको लगेगा कि टाइम में किसी किस्म की जो है कंडीशन स्लो कंडीशन नहीं है, टाइम अपना प्रॉपर वे में चल रहा है। लेकिन अर्थ पे मौजूद ऑब्ज़र्वर को ऐसा फील होगा कि वहाँ पे टाइम स्लो है। तो इसी को आइंस्टाइन ने इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर वही स्पेसक्राफ्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे तो स्पीड ऑफ लाइट से जब मूव करेगा तो वो जो टाइम है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को। और अगर हम इस डेरिवेशन को फॉलो करें तो हम कहते हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है या ऑब्जेक्ट की मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड बढ़ती है तो उसमें जो गुजरने वाला टाइम है वो स्लो होने लगता है। तो अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट एग्जैक्टली मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से तो उसमें जो उसका टाइम है वो एग्जैक्टली अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, यानी टाइम बिल्कुल ही नहीं होगा, टाइम का फ़र्क ही नहीं महसूस होगा। और अगर जो है स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है तो भी गुजरने वाला टाइम स्लो होगा। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो एक तरह से नहीं होता, एक इवेंट का टाइम मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के लिए एक नहीं होगा, उनको डिफरेंट वे में वो टाइम मिलेगा। लेकिन टाइम का डिफरेंस सिग्निफिकेंटली दिखाई दे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, तब हमें वो टाइम का डिफरेंस जो है वाजिया तौर पर नज़र आता है। और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा उसका गुजरने वाला टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। अब ये एक डेरिवेशन है टाइम से रिलेटेड, टी इज़ इक्वल्स टू टी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ये डेरिवेशन जो है इन्होंने दी है और ये रिलेटेड है मैकेनिक्स से और कुछ इस तरह से है, इसको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं उस डेरिवेशन को। लेकिन बेसिकली इसमें क्या बताने की कोशिश की है वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जो टी नॉट टाइम है वो टाइम है, सपोज़ कर लें स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको लगता है टाइम एज इट इज़ है, नॉर्मल है, जैसे चल रहा है वैसे है, प्रॉपर है, तो ये टी नॉट है। और टी वो टाइम है जो सपोज़ कर लें स्पेसक्राफ्ट को अर्थ पे मौजूद कोई ऑब्ज़र्वर देख रहा है मूविंग फॉर्म में, तो ये स्पेसक्राफ्ट के लिए टाइम है जब वो मूव कर रहा है। और इस स्पेसक्राफ्ट को कौन ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व कर रहा है, अर्थ पे मौजूद कोई भी ऑब्ज़र्वर। और टी नॉट प्रॉपर टाइम है जो कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद लोगों को लग रहा है कि बस टाइम एज इट इज़ है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस डेरिवेशन में आपको यहाँ दिया हुआ है वी स्क्वायर, अगर हम वी को इक्वल कर दें स्पीड ऑफ लाइट के, यानी यहाँ पे भी हम सी को एग्जैक्टली इक्वल कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट के, तो सॉल्व करने पे जो मूविंग स्पेसक्राफ्ट की लिए गुजरने वाला टाइम है वो एग्जैक्टली अप्रोच करता है ज़ीरो को। अब हम बात करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। तो देखिए यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये स्पेसक्राफ्ट है और ये उसकी लेंथ दिखाई दे रही है और ये कोई ऑब्ज़र्वर से ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड है वो इस वक्त ज़ीरो है और ऑब्ज़र्वर इसकी प्रॉपर लेंथ को देख सकता है। लेकिन जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड अप्रोच करने लगती है स्पीड ऑफ लाइट के तो लेंथ जो है स्पेसक्राफ्ट की वो रिड्यूस होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। और जैसे ही हमारे पास जो है स्पीड अप्रोच होती है स्पीड ऑफ लाइट के, स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, तो ऑब्ज़र्वर को इसकी लेंथ बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती, यानी कि लेंथ इस हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो सेकंड जो फिज़िकल क्वांटिटी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की है वो लेंथ से रिलेटेड है और उसे लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे स्पीड ऑफ लाइट से तो उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है या वो बिल्कुल हम देख ही नहीं सकते। तो ये हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला,
फिर से देख लीजिए यहाँ पे भी वही कंडीशन कि एल नॉट प्रॉपर लेंथ है, यानी कि जो बज़ाहिर देखने में लगता है चेंज नहीं है लेंथ में, रेस्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट की लेंथ जो कि प्रॉपर होगी। एल वो लेंथ है जब हम ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में देखेंगे, और वी हमारे पास स्पीड है नॉर्मल स्पीड, लेकिन अगर इस स्पीड को अप्रोच कर दें स्पीड ऑफ लाइट के, तो फिर ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से तो वहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली जो है हमारे पास बिल्कुल होगी नहीं, इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी कि हमें लगेगी कि लेंथ दिखाई नहीं दे रही, उसको हम ज़ीरो लेंगे। तो ये डेरिवेशन सिंप्लीफाई करने पे हमें वही कंडीशन देगी कि अगर हम वी को सब्स्टिट्यूट करें सी के इक्वल यानी स्पीड ऑफ लाइट के, तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट है लेंथ का जो कि मूविंग कंडीशन से रिलेटेड है, मूविंग कंडीशन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट और दैट स्पेस क्राफ्ट इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी जो लेंथ है वो अर्थ पे मौजूद ऑब्जर्वर को फील ही नहीं होगी, उसे लगेगा कि उसकी लेंथ ज़ीरो है या काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। थर्ड जो फिज़िकल क्वांटिटी है जिस पे आइंस्टाइन ने बात की वो मास वेरिएशन थी। आइंस्टाइन को इसमें भी यही लगता है कि वैसे तो हमने क्लासिकल फिज़िक्स में पढ़ा था कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सपोज मूव कर रहा है और जैसे जैसे उसकी स्पीड अप्रोच कर रही है स्पीड ऑफ लाइट को, तो मास हमारे पास इंक्रीज़ होने लगा है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है तो मास कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसका मतलब है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है तो उसका मास इस हद तक इंक्रीज़ हो जाता है कि वो किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। और इसी तरह ये डेरिवेशन मास के लिए है, तो एम नॉट मास होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में है, प्रॉपर मास। एम हमारे पास मास होगा ऑब्जेक्ट मूव करेगा और मूविंग कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट का मास लेंगे। वी स्पीड है लेकिन इसको अप्रोच करना है स्पीड ऑफ लाइट के, तो जब हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी तो एग्जैक्टली जो मास है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कि उस वक्त सिर्फ इमेजिन की गई थी, जो कि थ्योरी पे बेस करती थी और कई सालों बाद जिसके एक्सपेरिमेंट्स करके उसे सही मान लिया गया, ये थ्योरी एक्चुअली जो है बेस करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट को या तो रेस्ट में होना चाहिए या कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। तो हमने देखा कि हम जब भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं इस थ्योरी में तो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करवा रहे हैं, और वो कांस्टेंट स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इस स्पीड से मूव करता है तो चेंजेस हमें वाजिया तौर पे दिखाई देंगे, किस में, टाइम में, लेंथ में और मास में। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो टाइम उसके गुजरने का बहुत स्लो हो जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसकी लेंथ जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस दिखाई देती है या कम होती हुई दिखाई देती है जो कोई और ऑब्जर्वर से देख रहा हो, और अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसका मास जो है वो इस हद तक वेरी हो जाता है कि वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। तो ये चेंजेस हमें क्लासिकल फिज़िक्स में नहीं मिलती, ये तमाम जो चेंजेस हैं वो हम मॉडर्न फिज़िक्स में देख रहे हैं, और इसके बारे में जो है जो बात की थी वो आइंस्टाइन ने की थी, और ये तमाम बातें बाद में सही साबित हो गई थी।